जीवन का गणित है, इसमें दौड़ दो चार नहीं हुआ करते, और हमेशा खुशियों के समाचार नहीं हुआ करते। आज करें प्लस वन बायोलॉजी, और इसमें अपन ने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, सीख लिया था। आज अपने उन फाइलम का नाम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर अपने एनिमल को क्लासिफाइड किया, उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर कौन कौन से आधार पढ़े होंगे। अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, सिमिट्री पढ़ी होगी, सीलम पढ़ा होगा, नोटोकॉर्ड की एब्सेंस और प्रेजेंस पढ़ी होगी, और सेगमेंटेशन वगैरह पढ़ा होगा। तो कुछ एक पॉइंट्स अपने यहाँ पर रखने वाले हैं, कुछ एक बेसिस अपने यहाँ रखे हैं जिनके बेस पर अपने उन सभी फाइलम के आज बेसिक नेम देखने वाले हैं, कौन कौन से फाइलम में एनिमल को क्लासिफाइड किया गया। तो इसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर। अपने देखा था कि या तो उसमें कोशिका स्तर के प्राणी मिलेंगे या फिर जिनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें बॉडी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर दो मैंने यहाँ पर क्लासेस बना रखी है, तो जिसमें सिर्फ सेल्स मिलेंगे, उनमें टिश्यू वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें ऑर्गन नहीं बनते, और उनमें क्या नहीं बनेंगे, टिश्यू सिस्टम नहीं पाए जाते। ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेल्स ही मिलते हैं, उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, उनमें ऑर्गन नहीं मिलते, उनमें सिस्टम नहीं पाया जाता। तो वो पहला ऐसा फाइलम कौन सा है जिनमें सिर्फ सेल्स मिलेंगी, कुछ एक सेल्स मिलती है, तो वो फाइलम कौन सा है, वो है पोरीफेरा। क्या नाम लिख रहा हूं, पोरीफेरा। और ये मैं आपको बता चुका हूं, इस फाइलम के अंदर पूरी बॉडी पे पोर्स मिलते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, बॉडी कैनाल सिस्टम भी मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम भी मिलता है, और वो उन सभी एनिमल को पोरीफेरा में रखा गया। जिनके अंदर सिर्फ सेल्स मिलती हैं, उनमें सिमिट्री कैसे मिलती है, अनएक्सेप्शनली वो सारे के सारे क्या होंगे, सभी सभी एसिमेट्रिक होते हैं। तो अपने यहां लिखेंगे एसिमेट्रिक, ये सारे सारे क्या होंगे, असिमेट्रिक होंगे, असममित होंगे, किसी प्रकार की कोई सममिति नहीं पाई जाती, तो वो असिमेट्रिक हो। तीसरी चीज आती है सिलम। सिलम क्या होगी, एब्सेंट होती है, तो अपने बोलेंगे असिलोमेट। क्या बोलेंगे, असिलोमेट्स। इनमें किसी तरह की कोई देहगुहा, सिलम देहगुहा बोल दो या बॉडी कैविटी बोल दो, नहीं पाई जाती, तो एसिलोमेट्स होते हैं। कौन, पोरीफेरा। अब बात करते हैं जिनमें टिश्यू पाए जाएंगे या ऑर्गन पाए जाएंगे या फिर सिस्टम पाए जाते हैं, और इनको छोड़कर बाकी सब में क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी में टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, और उसके बाद सिस्टम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अपना जो फाइलम आएगा, ये पहला अपना फाइलम हो गया जिसमें टिश्यू मिलेंगे, उसके बाद ऑर्गन भी डेवलप होंगे, उसके बाद सिस्टम भी डेवलप होंगे। तो पहला इसके बाद कौन डेवलप होगा, अपना सिलेंट्रेटा। कौन से एनिमल आएंगे, सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर हाइड्रा रखा गया है, तो उसमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा अपने को। किस लेवल का, टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। इनको निडेरिया भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर न्यूडोब्लास्ट मिलती है जिनमें डंक पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, तो इसके अंदर सिलेंट्रेटा में अगर सिमिट्री की बात करें, तो सिमिट्री क्या होगी, ये होंगी रेडियल सिमिट्री की। कैसे होंगे, इनकी सिमिट्री कैसी होगी, रेडियल सिमिट्री, अलीय सममिति पाई जाएगी सिलेंट्रेटा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें इनमें सीलम मिलेगी नहीं मिलेगी, इनमें सीलम एबसेंट होती है, एब्सेंट होगी, यानी कह सकते हैं ये भी क्या होंगे, एसिलोमेट्स होते हैं। अगला जो फाइलम है वो कौन सा हो जाएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री मिलेगी, इन एनिमल में भी रेडियल अरीय सममिति देखने को मिलती है, और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या, किस लेवल का होगा, टिश्यू लेवल का। लिख देता हूं ये भी क्या होंगे, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इनमें भी रेडियल सिमेट्री मिलती है और सीलम भी एब्सेंट मिलेगी इन दोनों में। तो इन दोनों में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर एसिलोमेट्स होंगे ये सारे दोनों, और साथ में क्या होंगे,
इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगले अब अपने पहुंच गए ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। अब टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से अपनों ने सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। पहले सिस्टम यहां तक क्या चल रहे थे, जैसे देखिए पहले पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल का था, उसके बाद सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। उनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और एसिलोमेट्स होते हैं, किस तरह की कोई देह गुहा नहीं पाई जाती। अब अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुंच गया, अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए, अब सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए। तो टीनोफोरा के बाद जो फोर्थ फोर्थ अपना फाइलम रहेगा वो कौन सा है, वो है प्लेटीहेलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज बिल्कुल फ्लैटन होते हैं, चपटे कर्मी पाए जाते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, चपटी होती है। तो इस तरह के जो एनिमल होंगे उनको रखा गया प्लेटीहेलमिंथीज में। जब बिल्कुल फ्लैटन है तो उसके अंदर उनके बीच में कोई देह गुहा नहीं पाई जाएगी। तो अपने कह सकते हैं जो सीलम होती है इनमें एबसेंट होती है, और साथ में सिमिट्री किस तरह की मिलेगी, इसमें सिमिट्री मिलेगी बाइलेटरल। अब जितने भी अपने फाइलम पढ़ने वाले हैं उन सब में बाइलेटरल बाइलेट्रल या द्विपार्श्विक, जिसमें दायां बायां दो हिस्से अपने बराबर इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दो इक्वल हाफ कर सकते हैं, वो सिमेट्री, वो सममिति देखने को मिलेगी। तो प्लेटीहेलमिंथीज में भी बाइलेट्रल सिमेट्री, इनके अंदर क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का मिलेगा अपने को। अब इसमें ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए, जब ऑर्गन बन जाएंगे तो आगे चलकर सिस्टम भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। पांचवी कैटेगरी या पांचवा जो फाइला वो है एस्के हेलमिंथीज। देखिए इनमें सीलम पाई जाती है, क्या होगा, सीलम पाई जाएगी, लेकिन कैसी होगी, स्यूडो सिलोमेट होंगी। कैसे होंगे ये, स्यूडो सिलोमेट, ये जितने भी एनिमल हैं वो सब के सब स्यूडो सिलोमेट होंगे। स्यूडो सिलोमेट्स का मतलब क्या है, इनमें बॉडी कैविटी तो मिलेगी लेकिन वो मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती। एलिमेंथिस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो चलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का। मैंने अभी बताया कि प्लेटी एलिमेंथिस से लेकर आगे कोऑर्डिनेटा तक अपने पढ़ने वाले हैं, उन सब के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का जो संगठन के स्तर होंगे वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र प्रकार का होगा। तो यहां प्लेटीहेलमिंथीज में अंग बनने स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे क्या होंगे, उनसे तंत्र बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लेटीहेलमिंथीज और इससे आगे आने वाले जितने भी फाइलम होंगे उन सब में अंग तंत्र प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले। फाइलम है अपना एनेलिडा। एनेलिडा जिसमें आर्थवॉर्म को रखा गया, केंचुए को रखा गया है, उसमें भी क्या होगा, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा और साथ में बाइलेटरल इसमें सममिति होगी, जो द्विपार्श्विक सममिति देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और साथ में इनके अंदर ट्रूसिलम बननी स्टार्ट होगी। अब आगे जितने भी आएंगे एस्केलमेंथिस के बाद जितने भी फाइलम आएंगे उनके अंदर सब में क्या होगी, ट्रूसिलम पाई जाएगी। इन सब के अंदर सिमेट्री कैसी मिलेगी, सिमेट्री बाइलेटरल मिलेगी, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहां लिख देता हूं, जो सेवंथ है एनेलिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा आएंगे। कौन आएंगे, ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे इंसेक्ट को रखा गया, कीड़े मकोड़ों को रखा गया। तो ऑर्थ्रोपोडा वो पहला फाइलम था जिसके अंदर जॉइंटेड अपेंडिसेस बनने स्टार्ट हो गए, संधित उपांग जिनको बोलते हैं, पांव है, हाथ पांव है, वो जोड़ों में मिलने स्टार्ट हो गए बेयर्स के अंदर, और उनमें जॉइंट्स मिलते थे। तो वो ऑर्थ्रोपोडा है जिसमें इंसेक्ट को रखा गया, और इसके अंदर भी क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी और ट्रूसिलम पाई जाएगी। ट्रूसिलम मतलब ये सारे सारे क्या होंगे, मैंने अभी बताया एनलिडा से लेकर आप आगे कोर्डेटा तक,
सबके अंदर क्या मिलेगा अपने को, ट्रू सिलम देखने को मिलेगी। सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं, ट्रू सिलम मिलेगी, सत्यदेव हुआ, जिसका निर्माण मीजोडर्म से होता है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद एट नंबर पर आएगा मोलस्का। मोलस्का में वही होगा, बाइलेटरल सिमिट्री होगी और ट्रू सिलम पाई जाएगी। मोलस्का के बाद कौन आएगा, इकाइनोडर्म बेटा, यहां लिख देते हैं, कौन आएगा, इकाइनो डरमेटा। स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, वो स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें बाइलेटरल सिमिट्री तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ रेडियल सिमिट्री भी देखने को मिलती है, अरीय सममिति भी देखने को मिलती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और मैच्योर या एडल्ट स्टेज के अंदर अलग अलग सिमिट्री देखने को मिलती है। एक तरफ आपने को रेडियल सिमिट्री देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ अपने को बाइलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है। ये स्पेसिफिकेशन हो गया इकाइनोडर्मेटा का। उसके बाद कौन आएगा, हेमिकोर्डेटा। उसके बाद कौन है, हेमिकोर्डेटा, ये वो एनिमल है जिसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो कॉर्डेटा जैसी आने लग गई। तो पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया था, बाद में हटाकर अलग से एक फाइलम तैयार कर दिया गया, और बाकी सारी चीजें यही रहेगी, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का, और इसमें ट्रू सीलम देखने को मिलती है। और लास्ट जो 11वां रह गया वो अपना है कॉर्डेटा, जिसमें अपने आते हैं बैकबोन बननी स्टार्ट होगी, नोटोकॉर्ड डेवलप हो गई। तो आप क्लियरली लिख देते हैं, अलग अलग क्लासिफाइड कर देते हैं। अभी तो मैंने जो रफली आपको समझाया था, अब मैं इसको क्लियरली टेबल की फॉर्म में बना देता हूं। तो सबसे पहला अपना क्या, कोऑर्डिनेटा तो अलग लिख देते हैं, और नॉन कोऑर्डिनेटा, इससे पहले जितने भी अपने फाइलम देखे हैं वो सबके सब किस में रखे गए हैं, नॉन कोऑर्डिनेटा, अपृष्ठवंशी जिनको बोलते हैं, वो पृष्ठवंशी हो। तो इसके अंदर पहला जो फाइलम था वो कौन सा था, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ा कौन सा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। दूसरा कौन सा था, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। तीसरा कौन सा था, टीनोफोरा, टीनोफोरा। फोर्थ कौन सा था, प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज। फिफ्थ कौन सा रह गया, एसके हेलमिंथीज, सिक्स कौन सा था, एनेलिडा, अर्थफॉर्म वाला। उसके बाद सेवन कौन सा आ गया, ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का, उसके बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। लास्ट कौन सा हो जाएगा, हेमिकोर्डेटा। लास्ट है हेमिकोर्डेटा। तो ये जितने भी फाइलम लिखे हैं ये सब के सब नॉन कोर्डेटा होते हैं, इनके अंदर बैकबोन या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। तो ये 10th हो गए, और ये कोर्डेटा अलग से है। तो ये जो पोरीफेरा था ये किस लेवल का था, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का था, और बाकी सब में अपने कह सकते हैं उसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पोरीफेरा में कोई किसी तरह की कोई सममिति कोई सिमेट्री नहीं मिलती, तो एसिमेट्रिक होते हैं। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों किस सिमेट्री के होते हैं, ये होते हैं रेडियल सिमेट्री के। ये कैसे होते हैं, रेडियल या अरीय सममिति के। और बाकी 4 से लेके 10 तक ये सब के सब किस सिमेट्री के हैं, ये सभी हैं बाइलेटरल। और इसमें इकाइनोडर्मेटा में अपनों ने अभी स्पेसिफिकेशन पढ़ा कि इसमें बायलैटरल तो मिलेगी, साथ ही साथ कौन सी मिलेगी, रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। ये दोनों मिलेगी, इसमें रेडियल भी मिलेगी और बायलैटरल सिमेट्री भी देखने को
मिलती है। कोर डेटा अलग से फाइलम है जिसके अंदर बैकबोन या नोटोकोर डेवलप हो चुकी होती है, जिसमें अपने भी आते हैं। और इन सभी फाइलम का आपने क्या करने वाले हैं, इन सभी फाइलम का आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डीप नॉलेज लेने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।